हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बदमाशों ने 20 मिनट के अंदर 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश फायरिंग कर 1,22,000 रुपए भी लूट ले गए। फायरिंग में पेट्रोल पंप का एक सेल्समैन छर्रे लगने से घायल भी हो गया। एक साथ 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 9:45 बजे एक कार में सवार बदमाश शिव पेट्रोल पंप पर पहुंचे और तेल डलवाने की बात कहते हुए सेल्समैन को बुला लिया। सेल्समैन हरीश मौके पर पहुंचा तो बदमाशों ने पैसे मांगने शुरू किए। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के वक्त गोली के छर्रे लगने से हरीश घायल हो गया और बदमाश 40,000 रुपए लूट कर ले गए। इसके बाद बदमाशों ने कुछ ही दूर आगे शहीद बिजेंद्र सिंह पंप पर इसी तरह लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां से बदमाश 22,000 रुपए सेल्समैन से छीनकर जयपुर की तरफ भाग निकले। तीसरी वारदात बदमाशों ने खिजूरी के पास नायरा पेट्रोल पंप पर की और यहां पर 11,000 रुपए पिस्टल के बल पर लूट लिए। नायरा पेट्रोल पंप पर लूट के बाद बदमाश सीधे मनोहर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी और 50,000 रुपए लूट कर यहां से भी भाग निकले। एक साथ 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातों के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। धारूहेड़ा कसौला बावल थाना पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर सख्त नाकाबंदी कर पूरी रात बदमाशों की तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लग पाया। पुलिस की टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। इसमें एक शिफ्ट कार में 4 कल्प्रिट अज्ञात आए और पिस्टल पॉइंट पर नजदीक जो 4 पेट्रोल पंप है इनके ऊपर कैश छीन करके ले गए। इस संबंध में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपीगण को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, कितने पेट्रोल पंप पर वारदात हुई है, कितने की लूट हुई है टोटली? ये नज़दीक 4 हैं, जैसा कि पेट्रोल पंप वालों ने बताया है। इनके मुताबिक अलग अलग है, किसी के पास 40,000, किसी के पास 28,000, किसी के पास 10-11,000। इस प्रकार से 1,05,000 के आसपास की लूटती है। तो इन सभी पे FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, अभी तक कोई पकड़ में आया नहीं है? इन्वेस्टिगेशन जारी है, अलग अलग टीमें बनाई गई है, सभी अलग अलग ठिकानों पर रेड जारी है। रात को सर गाड़ी आई थी, एक गाड़ी आई तो 4 बंदे गाड़ी में से उतरे, एक बंदे तो गाड़ी के पास खड़ा था, 3 बंदे मेरे पास आए, पिस्टल ले रखी थी तीनों ने, सीधे आए और मेरे को कनपट्टी पे लगाई, एक तो यहाँ पर एक यहाँ पर लगाई। वे बोले पैसे दो मेरे को, नहीं तेरी गोली मारेंगे, वो करेंगे, ऐसे वैसा करके फिर मैंने उसको पैसे दे दिए। मैंने बकाया था, बड़ा फ़ोन भी दे दिया था, फ़ोन तो ये उधर ही रखी गए। रखने के बाद फिर वो वापस चले गए, वापस चलने के बाद फिर वापस जाने के बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट करी? वापस जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करी, पुलिस आ गई। फिर उसके बाद कितनी देर बाद पुलिस आ गई थी? आ गई थी 20-25 मिनट में, कुल मिला के आधा घंटा हुआ। कितने की लूट हुई है? लूट 10-11,000। 10-11,000 बताते हैं। और भी पेट्रोल पंप पे लूट हुई है? हाँ, और पंपों पे। अंदाजा कितने पेट्रोल पंप पे लूट हुई है? 4 पंपों पे बता रहे फिलहाल। 4 पंपों पे कौन कौन से? एक तो ये शिव पंप है, एक शहीद विजेंद्र वाला है, एक ये हमारे कोर मनोहर वाला पंप है HP का, एक हमारा पंप होगा। दरअसल बदमाशों ने ये चारों वारदातें 20 मिनट के अंतराल में की। एक पेट्रोल पंप पर वारदात के बाद बदमाश CCTV कैमरे में भी कैद हो गए, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक कार में सवार होकर आए बदमाश किस तरह कर्मचारियों पर पिस्टल तानकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं।